नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से, जहां पर जय किसान ऋण माफ़ी योजना का कार्यक्रम प्रभारी मंत्री लखन यादव, मुरैना जिले की कलेक्टर प्रियंका दास सहित अन्य विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिले के लगभग 20,000 किसानों को करोड़ों रुपए की राशि के ऋण प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ की सरकार विकास की बात करती है, कांग्रेस की योजनाओं को लेकर अधिकारी कर्मचारी सत मेहनत कर रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दिखावा करते हैं और कमलनाथ सरकार वादा निभाती है। हमारी सरकार ने 52 दिनों में 26 वचन पूरे किए, युवाओं को रोजगार मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। पूरे प्रदेश में 1,000 गौशालाएँ खोली जा रही है। प्रभारी मंत्री ने जनपद पंचायत कैलाश में 2 गौशालाओं का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उनके साथ जोरा व सबलगढ़ के विधायक भी मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। विज्ञापन के नाम पे बीच में तो बिल्कुल शून्य कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये विज्ञापन पे जो पैसा खर्च करते हैं उसको किसानों के बीच में दबे कुचले लोगों के, शोषित लोगों के बीच में खर्च करेंगे, लेकिन सने सने हम लोग अब धीरे धीरे विज्ञापनों में कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन किया है, मुझे नहीं लग रहा कि वो, मुझे लगता है कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विज्ञापनों पे पैसा मंत्री जी ऐसी क्या। देखिए, आपकी जानकारी में शायद है कि नहीं है, मुरैना जिले के अधीक्षक की जहाँ तक बात है, अधीक्षक को इसलिए बदला गया है कि हमारे विधायक इनल सिंह कंसाना जी के बेटे का नाम उसमें, उनके खिलाफ घर सोते हुए व्यक्ति के खिलाफ 307 की कार्रवाई हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि वो SP बदलना चाहिए था? यदि फोन कॉल पे किसी के साथ हॉट टॉक हो जाए तो ये कहीं भी किसी भी एक्ट में नहीं है कि उसमें 307 की हम कार्रवाई करें। अभी हाल ही में जो भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, उसमें पूर्व CM शिवराज सिंह ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं सीधा राज स्थापित हो रहा है, जिसके चलते जो आरोप लगाया है कंसाना के बेटे पे जो FIR हुई, इसका देखिए, शिवराज सिंह और उनकी सरकार पे तो कोई मुद्दा बचा नहीं है कांग्रेस के खिलाफ, तो वो तो इस तरह की बातें करते रहेंगे। और रहा सवाल जो है, उन्होंने कहा गुंडा राज, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो गुंडा राज रहा, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से सत्ता में आई है। कांग्रेस ने देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस सिस्टम और सिद्धांतों से चलने वाली पार्टी है। हम लोग कभी गुंडा राज पनपाते हैं ना इसके कभी पक्ष। तो बिना जांच के किसी भी अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को बदला जा सकता है? आपकी जिसाय जानकारी में नहीं है, जांच हुई थी, SP से मेरी बात हुई थी जिस दिन ये घटना हुई थी। सुबह 6 बजे मैंने फोन लगाया, मैंने कहा ये तुमने 307 की कार्रवाई किस रूप से की है, तो उन्होंने कहा साहब CCTV फुटेज में उसका नाम, उसका शकल है और वो खुद था। अगर मैंने कहा वो खुद है तो फिर आपने 100% सही है, लेकिन मैंने कहा हमने फिर उसकी जांच कराई। मैं सुबह ही जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और हमने कहा, उन्होंने भी मुझसे यही कहा, SP ने जो उनको ब्रीफिंग की थी वो यही की थी, ये लड़का रात को था, गुंडों के साथ था, मुंह बांध के आया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा कि आप ये बताओ ये था, तो हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ये लड़का रात को झगड़े में था, गुंडागर्दी करने आया, तो इसको मैंने कहा 307 इसको फांसी की सजा कर देना, और अगर मैंने कहा नहीं आया हो तो फिर ये SP के खिलाफ आप कार्रवाई कर देना। इतना कह के मैं और कंसाना जी मुख्यमंत्री से चले आए और उसके फिर थोड़े समय बाद हो गया सर जो ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो आपके बीच में वचन दिया है और आपने कांग्रेस की सरकार बनाई है, तो निश्चित तौर पर हमारा और पार्टी का, आपका और हमारा इसी तरह का तालमेल बना रहे। मैं आपको इस भरोसे के साथ कि पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी रही और देश में भी रही, पूर्व मेजोरिटी की सरकार रही और जब वो योजना के तहत मुख्यमंत्री जी श्रीमान सिंधिया जी और हमारे प्रभारी मंत्री पूरे दोनों जिले के प्रभारी और ऐसे प्रभारी हैं कि इनको मैं बहुत रणनीति से आज के संबंध में मेरे उनके खुद से संबंध है,
ये इतने अच्छे आदमी हैं कि बहुत विकास के लिए और काम के लिए तत्पर हर व्यक्ति के लिए तैयार रहते हैं। आज दोनों गौशालाओं का लोकार्पण करने आदरणीय प्रभारी मंत्री और अपने जिला जी कलेक्टर महोदय, अपने जिलासियों और हमारे एस डी एम महोदय जी और सभी हमारे विधायक बैगनाथ जी, राकेश बाबाई जी, मंजा सिंह, समस्त सम्मानीय अतिथिगण, मेरे साथी अधिकारीगण, केलारस क्षेत्र के समस्त ग्रामीण जन, कृषक भाई, माताएं बहने, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे समस्त साथीगण, ये बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज फसल ऋण माफी योजना के तहत हमारे जिले में आज ही 4 अलग अलग जगह पे तहसीलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे उन किसान भाइयों के जिनके 2 लाख तक का ऋण है उसको माफ किया गया है, चाहे वो सहकारी बैंक में हो चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक में हो, इस योजना का लाभ पूरे जिले में मिल रहा है। कल तक की अगर हम बात करें तो अब तक 23,000 किसानों का ऋण माफ हम कर चुके हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से केलारस के 1800 से ऊपर किसानों को ऋण मुक्ति का सर्टिफिकेट एवं नो ड्यूज मिलेगा। लगभग 2,22,00,000 राशि के आसपास की ऋण मुक्ति की घोषणा आज मंत्री जी यहां पे करेंगे, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ताम्र पत्र से सम्मानित भी किया जाएगा। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपना नो ड्यूज भी संबंधित संस्था से जरूर लें, क्योंकि उससे आगे का आपके खाते का लेन देन जो है वो सुचारू रूप से आप कर पाएंगे। धन्यवाद।